तो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन क्या है, बड़ा सा है क्वेश्चन, इसको पढ़ना पड़ेगा। द मैनेजमेंट इंश्योर अ पीपल टीचर रेशियो 20:1 इन द प्राइमरी स्कूल एंड 30:1 इन द मिडिल स्कूल। इफ़ 340 स्टूडेंट वेयर इन द प्राइमरी स्कूल एंड 450 स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर टू द मिडिल स्कूल टीचर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखो प्राइमरी स्कूल में बच्चे और टीचरों का रेशियो कितना है, 20:1, और मिडिल जो बड़ा सा स्कूल होता है प्राइमरी से बड़ा, उसमें बच्चे और टीचर्स का रेशियो कितना है, 30:1 है। ठीक, अच्छा अब इधर देखो क्या दिया है कि प्राइमरी स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, पीपल मीन्स शिष्य मतलब बच्चे, तो पीपल की जगह पे यहाँ पे 340 डाल देंगे, 340 और अपॉन ये टीचर। ठीक, और ये 20:1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 20 टीचर और ये आ जाएगा 340। यहाँ पे टीचर निकालो, 340 अपॉन 20, जीरो से जीरो कट गया और ये 17, कितना आ गया 17, ये टीचर हैं। ठीक, किसके, प्राइमरी वाले। ठीक है, टीचर कौन से, ये प्राइमरी वाले। इसी तरह इसका निकालो, पीपल की जगह पे 450 और टीचर की जगह पे टीचर ही पड़ेगा क्योंकि टीचर तो निकालना है, ये 30:1। ठीक है, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, कितने टाइम, 15 टाइम, तो आ गया 15 अपॉन टीचर अपॉन 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, टीचर कौन से, ये मिडिल टीचर हैं, कितना आ गया 15। तो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर एंड मिडिल स्कूल टीचर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैसे लिखना है, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी टीचर लिख लो, TEACHER अपॉन मिडिल टीचर, प्राइमरी टीचर कितना है आया 17 और मिडिल कितना आया 15, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 17:15। ठीक है, ओके, एट्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। एट द पर्टिकुलर टाइम द शैडो ऑफ पोल एंड टावर आर 25 meters एंड 40 meters रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 45 meters फाइंड द हाइट ऑफ पोल। मतलब कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सन है ऐसे करके, ठीक, और यहाँ ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे ये मान लो कि क्या दिया हुआ, टावर दिया हुआ, ठीक, और ये पोल दिया हुआ है। ठीक, तो ये था 40 meters एट द पर्टिकुलर टाइम द शैडो ऑफ, तो मतलब जो इसका शैडो पड़ेगा ना, शैडो, ये शैडो कुछ ज़मीन पे बनेगा ना ऐसा करके, तो ये 40 meters है और इसका शैडो यहाँ कुछ बनेगा ऐसे, ठीक, वो 25 meters। ठीक, और उसी समय ये कह रहे हैं कि टावर की जो हाइट है वो 45 meters है। ठीक, तो पोल की कितनी होगी, तो बेटा एक नियम होता है, फार्मूला लर्न कर लो कि हाइट ऑफ द पोल, जितनी पोल की हाइट हो उसको डिवाइड कर दो उसके शैडो से, ठीक, इज इक्वल टू उसी समय जो लगा हुआ टावर है, हाइट ऑफ टावर और अपॉन उसके शैडो से डिवाइड कर दो, यानी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। तो एक तरीके की ये फार्मूला बन जाता है, फार्मूला क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पोल, हाइट ऑफ टावर अपॉन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, हाइट ऑफ पोल
दिया क्या है, हाइट ऑफ द टावर दिया, अच्छा हाइट ऑफ पोल, और लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल द पोल की है 25 मीटर, और इधर हाइट ऑफ टावर दी हुई है 45 मीटर, तो ऊपर डाल दो 45 मीटर, ये भी मीटर, और नीचे क्या है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर कितना है 40 मीटर। ठीक, तो अब भाई कट कर दो, 5 से कर दो, 40 45। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, हाइट ऑफ पोल इसकी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक, और ये हो जाएगी 9 × 25। ठीक, हाइट ऑफ पोल और 9 × 25 / 8 25 / 9 = 225/8, इसको डिवाइड कर लो 8 से, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 होता है, 6 × 5 आ जाएगा, 8 × 9 = 63, नहीं, 8 × 2 = 64, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 64, 8 × 2 = 64 लग जाएगा 64, 1 बच गया, पॉइंट लगा 0, 1 गया 8 0, 8 × 16 = 4, 8 × 5 = 40। ठीक, कितना आ गया आंसर में, कितना आ जाएगा बेटा 28.125 मीटर। ठीक है बेटा, ऐसे करके मतलब डिवाइड तो कर ही लेना ना अपने आप, अब डिवाइड नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा। फिर ये देखो 9th question, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 and 60। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या हमने माना था, लेट द मीन प्रोपोर्शन इज m, है ना, लेट द मीन प्रोपोर्शन इज m, तो इसको लिखने का क्या तरीका, 15:m सच डेट m:60। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई ये करोगे 60 × 15, 15 × 6 = 90, 900, इसको कर लो 30 का स्क्वायर, और ये हो गया m^2, और हमने क्या कहा था कि अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी m = कितना आ गया 30, और 30 को यूनिट दे नहीं रखी तो हमने भी नहीं लिखी। 10th question देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3, 9, a आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब 3:9 सच डेट 9:a, है ना। अब बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, 3a = 9 × 9, ठीक है ना, ये 3a, a की वैल्यू निकालो तो यहाँ से 9 × 9/3, 3 × 3 = 9, और ये आ गया 27। ठीक है बेटा, तो अभी हमने आज ये क्वेश्चन किए और तुम इनको देखो समझो।